हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों को गोद की आदत कैसे छुड़ाएं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर पेरेंट हर मदर की ये प्रॉब्लम होती ही है कि आफ्टर अ टाइम बच्चा जो है वो हैबिटुएटेड हो जाता है उनकी गोदी में आने के लिए। बच्चा हमेशा यही डिमांड करता है कि हम या तो यानी कि मदर उनको हमेशा गोद में लेके खड़े रहें। आज मैं बात करने वाली हूँ कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा बच्चा करता है, और दूसरा ये कि उसको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे उसको हटाया जाए, ये आदत उससे कैसे हटाई जाए। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि बच्चे को ये जो कह सकते हैं कि ये बच्चे को आदत क्यों लग जाती है, क्यों ये हैबिट पड़ जाती है बच्चे को। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों कि बच्चा पहले से ही माँ की बॉडी से कनेक्टेड होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब वो मदर वूम में होता है उस टाइम भी वो अपने आप को जो सूद करता है वो तरीका उसका वही होता है, क्योंकि वूम में होता है तो बॉडी से कनेक्टेड रहता है। वो एक उसका तरीका होता है अपने आप को सूद करने का। तो जैसे वो बाहर आता है दुनिया, उसको जब दुनिया में पहले जब जन्म लेता है उसके बाद भी वो अपनी मदर की बॉडी से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हम उसे फीड कराते हैं। और बच्चा जब छोटा होता है तो हम ज्यादातर उसे अपने गोद में ही रखना प्रिफर करते हैं, क्योंकि हमें भी डर रहता है थोड़ा सा, और ऑब्वियसली एज अ न्यू मदर हमें बहुत खुशी होती है उसके साथ खेलने में, उसको सुलाने के लिए। हम सारी चीजों में जो होता है ना, एक बॉडी टच रहता ही है बच्चों के साथ में। ये बॉडी टच क्या होता है कि एक टाइम के बाद उनकी हैबिट बन जाती है। वो हैबिट जब एक ज्यादा टाइम तक के लिए जब चलती है तो मदर के लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसे हमेशा गोद में लिए रहना, क्योंकि ये हैंड पेन होने का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत हाथ दर्द करते हैं। मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। उससे कैसे हटाया जाए इस बारे में हम सोचने लगते हैं। मतलब जब शुरुआत में जब बच्चा गोद में रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना वेट नहीं होता उसका। जब वो धीरे धीरे वेट गेन करता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फील होती है इस चीज को लेके, तो अब हमको ये सोचने लगते हैं अब इसे कैसे हटाया जाए। ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम पहले से ही बच्चे को कह सकते हैं ना कि पहले से ही दूर ही रखे थोड़ा सा, मतलब इतना सा हर चीज गोद में बिठा के करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम पहले जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं बच्चे के लिए 6 मंथ पे, तो भी हम खाना भी उसको गोद में बिठा के खिलाते हैं। दिस इज नॉट अ नेसेसरी। बच्चे को प्रॉपर फीडिंग जो है फीडिंग चेयर में, या फिर फीडिंग चेयर नहीं कर सकते तो बिठा के प्रॉपरली, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा थोड़ा बहुत बैठने लग ही जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से बिठा के प्रॉपर पोस्चर में उसको खाना खिलाना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छा रहता है। ये सारे रीजंस हैं कि बच्चा रेजिस्ट करता है गोदी से उतरने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चे को, आपके बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी हो। सेपरेशन एंग्जाइटी पे दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बच्चों को जो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है उस वजह से भी बच्चे रेजिस्ट करते हैं माँ की गोद से उतरने का के लिए। ऊपर से उनका एक बॉन्ड बन चुका होता है माँ से, तो वो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है उनसे दूर जाने में। ठीक है, ये एक दूसरा रीजन हो सकता है बच्चे का आपकी गोद से ना उतरने का। तीसरा है कि वो खुद को कंफर्ट फील करते हैं जब आपकी गोद में होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम सिक्योर हैं, सेफ हैं, इसलिए वो आपकी गोद में रहना पसंद करते हैं रादर देन उस नीचे बैठने के अलावा। ओके, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं खास रीजंस हैं बच्चों के आपकी गोद से ना उतरने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को कैसे ये आदत छुड़वाई जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमको जब स्टार्ट होती है वो होती है टोडलर्स के लिए। टोडलर्स मतलब कि 8 या 10 मंथ से, 10 मंथ से मैं गिनूंगी, 8 मंथ को तो चाहिए होता है गोदी में रहना बच्चों को। 10 मंथ के बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं टोडलर्स में, तो उससे 2 साल तक, 2 से 2.5 साल तक बच्चों में ये प्रॉब्लम हमको नड़ती है कह सकते हैं, या फिर प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए कि बच्चा गोद से उतरता ही नहीं है। इस टाइम तक में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा 10 से 12 मंथ का है
मतलब वो अभी चलना सीख रहा है, तो आप बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, उसके लिए एक वॉकर ला सकते हैं। वॉकर दोस्तों बहुत अच्छा चेंज है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे एक नई चीज सीख रहे होते हैं, उन्हें इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। बच्चा आप कभी भी देखना आपके पास भी खड़ा होके आपके सहारे यहाँ पे खड़े होने की ही कोशिश करता रहता, उसे इतना बैठना या चलना या लेटना नहीं पसंद होता, क्योंकि लेटने से उसको भी प्रॉब्लम होती, दर्द होता है, उसके बैक पेन हो जाता है, होगा मतलब दर्द तो होता ही ना बच्चों को लेटे रहने से। वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने बच्चों के लिए, बच्चे के लिए एक वॉकर इंट्रोड्यूस कर दें। ये अच्छा टाइम है उसको वॉकर इंट्रोड्यूस करने का। इससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि मैं चलने लग रहा हूं, तो उसका थोड़ा गोद से आपकी, आपसे और आपकी गोद से उसका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा कर सकते हैं कि आपका बच्चा चलने लगा है फिर भी वो आपकी गोद में आने के लिए करता है, मतलब 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये गोदी वाली, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हैं एक बहुत अच्छी चीज, मतलब बहुत सारी चीजें मैं लेके आई हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लॉक्स। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि बच्चा ये, इसको क्या पता चलेगा, बट ऐसा नहीं होता, उनका बहुत ज्यादा माइंड डेवलप होता है। इस चीज में ब्लॉक्स जो होते हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना, उनको देना बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत हेल्पफुल होता है मदर फादर दोनों के लिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ब्लॉक्स में अगर आपका बच्चों को अपने ब्लॉक्स दे दिए, उसको एक बार बता दे कि ऐसे रखना है वैसे रखना है, फिर मनन खाली दे दे उसे, कम से कम 2-3 घंटे बच्चे ब्लॉक्स में बिता देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही जेन्युइन रीजन है, ये मैंने देखा है, खुद अप्लाई किया है और मैं तभी आपको ये चीज बता रही हूँ। ब्लॉक्स एक तो आपके बच्चे का जो माइंड है उसको शार्प करने में, डेवलप करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो आप ये चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चे को स्केच या कलर, कलर्स जो जल्दी बिगड़ते नहीं आते ना स्केच पेन्स, वो आप यूज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चे को, और कलरिंग जो बुक आती स्केच पेन और कलर बच्चों की बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, अगर उसे सही टाइम पे आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो। ये बहुत अच्छा एक कह सकते हैं आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उनको रीडिंग और राइटिंग से इंट्रोड्यूस कराने का, उनमें एक कह सकते हैं ना एक अच्छी चीज डालने का, एक अच्छा चीज में ट्रेन करने का, तो एक बहुत अच्छा स्रोत हो जाता है बच्चों को ये इस टाइम पे कलर और पेन, कलर बुक ये सब इंट्रोड्यूस कराने का। बहुत सारे ऐसे कलर पेन आते हैं जल्दी खराब नहीं होते, आप पेंसिल कलर का यूज कर सकते हैं। फिर आप अपने बच्चे के लिए एक चीज कर सकते हैं, उसे रीडिंग अ बुक, बुक उसको दे सकते हैं। बुक देने से क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा ऐसा हो सकता है बच्चा बुक को फाड़ने लग जाएगा, उसे पता ही नहीं है क्योंकि बहुत क्या होता है अर्ली एज पे मदर्स और फादर्स भी, पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे को जब बेड टाइम होता है उस टाइम पे बुक सुना के ही सुलाते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है बच्चे में इस चीज, अगर ये चीज अगर बच्चे में है, अगर आपका बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है बुक्स से देखना, बुक्स क्योंकि पढ़ नहीं पाएगा इतनी जल्दी, बट वो जो उसमें चित्र होते हैं ना वो पिक्चर्स देख के बहुत खुश हो जाता है बच्चा, तो आप ये चीज कर सकते हैं अपने बच्चे को बुक दे दें उस टाइम पे, तो थोड़ा टाइम उसमें निकाल देगा, काफी उसका माइंड जो है ना डाइवर्ट होता है उस चीज से। दूसरा आप कर सकते हैं कुकिंग। कुकिंग दोस्तों जैसे हमको देख के हमारे बच्चे सीखते हैं, जैसे हम सब बोलते हैं ठीक है, तो उन्हें भी हमारे जैसा बनना, मतलब जल्दी से जल्दी उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी बड़ा होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये चीज आप उसको कर सकते हैं, बच्चों को छोटे छोटे बर्तन आते हैं ना बच्चों के लिए वो लाके दे दें, फिर कोई बात नहीं घर के जो बर्तन है वो ही दे दें बच्चे को, रोटी बनाने के लिए दे दें, आटा दे दें थोड़ा सा, पर थोड़ा सा ध्यान है कि वो खा ना ले, अगर खा भी लेता तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्ले से अच्छा तो आटा ही रहेगा। तो आप ये चीज कर सकते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा, इस चीज में क्या बहुत बच्चे खो जाते हैं, तो बच्चे को थोड़ा मतलब इतना ध्यान नहीं रहता कि मुझे भी गोद में आना है, गोद में खेलना है, उसको दूसरी चीजें भी दिखने लगती है, एक्टिविटीज दिखने लगती है। एक्टिविटीज में डालने से बच्चा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डेवलप होता है उसका माइंड, और उसके लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा, आपको भी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। दूसरा आप कर सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर में सबके न्यूज़पेपर आते ही हैं, जो
खराब न्यूज़पेपर हो जाते थे, पहले पुराने न्यूज़पेपर्स हो जाते, वो अपने बच्चे को दे दीजिए, उसे कुछ ना कुछ उसे बनाने का बताइए, सिखाइए, या तो आपके पास टाइम नहीं है तो उसे सिर्फ न्यूज़पेपर दीजिए, एक देखना, एक दिन वो आप कुछ ना कुछ नया बना के आपको दिखाएगा, मैंने एरोप्लेन बना दिया, मैंने नाव बना दी। इससे बच्चे को भी कह सकते हैं नवी नवी स्किल्स आती हैं बच्चे के अंदर, बच्चों को बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों। और आप कर सकते हैं एक चीज़ कि आप अपने बच्चे को प्रेस करें, उसकी तारीफ करें, बच्चे को तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, मगर बच्चों में स्पेशली उनको और सब कुछ जितना समझ में नहीं आता है उन्हें, बट अपनी तारीफ बहुत जल्दी समझ में आती है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ में या तो अपने जो रिलेटिव्स वगैरह आते हैं आप अपने बच्चे की तारीफ करें रिलेटिव्स के सामने, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उसके सामने ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मेरी बेबी आपको पता है कितनी बिग गर्ल हो गई है, अब तो मम्मा की गोद में भी नहीं आती, बहुत जल्दी वो कितनी बड़ी हो जाएगी, मम्मा पापा जितनी हो जाएगी वो, तो उससे क्या होता है उसे पता चलता है कि नहीं, उसका माइंड जो इस चीज़ को रिजिस्ट करने से रोकता है कि हाँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बिग गर्ल हो चुकी हूँ, मैं खुद ब खुद चल सकती हूँ, खेल सकती हूँ, मुझे मम्मी के पापा की गोद की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है उसे बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस चीज़ को गेन करने में, और वो इस चीज़ में मैच्योरिटी भी लाता है बच्चे में कि ना मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बिग गर्ल हो चुकी हूँ। बच्चों को बड़ा होना बहुत पसंद है, उनके जो टॉयज वगैरह होते हैं आप उनसे भी उसको खिला सकते हैं और उसे बहुत अच्छा ध्यान उसका बटा सकते हैं। सो मेरी बेबी अब मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो अब उसे भी मेरी ज़रूरत है। सो अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच।